हेलो बच्चे बच्चों, ये आपकी 10th क्लास है। 10th क्लास में मैथ्स आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम आज ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से हमें जो है वो क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ रही है। हालांकि ऑफलाइन से बेटर कोई क्लास नहीं होती है, जो बेस्ट क्लास है वो ऑफलाइन होती है। हम उसमें अपने कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन फिर भी मजबूरन हमें जो है 10th क्लास है, इसलिए टॉपिक को बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए मुझे जो है ये ऑनलाइन क्लास देनी पड़ रही है। कोशिश करेंगे समझने के लिए। इसमें जो पहला चैप्टर है वो हम उठाते नहीं हैं, आपका हम सेकंड चैप्टर उठाते हैं मैथ्स का, जो कहलाता है पॉलिनोमियल्स। इसमें आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता देते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी बताते हैं आपको। हिंदी में पॉलिनोमियल्स को हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास पॉलिनोमियल्स, क्या लिखा है? पॉलिनोमियल। हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, हम ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको 10th क्लास का चैप्टर है। इसके इसमें हम सबसे पहले पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं हम आपको बताएंगे। अब जानते हैं पॉलिनोमियल्स में जो है एलजेब्रिक फॉर्म में पॉलिनोमियल को आप किस तरह लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3x, ये पॉलिनोमियल है। मेरे पास एग्जांपल है 3x+2, ये भी पॉलिनोमियल है। मेरे पास एग्जांपल है ax2+b, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मेरे पास है 3x3+2x2+1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, लेकिन इनकी अलग अलग फॉर्म होती है। कौन सा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा ये मैं अब आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ मैंने पॉलिनोमियल्स के नाम दे दिए। इसमें पॉलिनोमियल जो पहला है कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ये कांस्टेंट वर्ड से ही पता चल रहा है आपको। कांस्टेंट मतलब इसमें स्थिरांक आने हैं। क्या आते हैं इसमें? स्थिरांक आते हैं। इसमें हम कांस्टेंट लेते हैं उस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली माने बहुत सारे, नोमियल माने पद, बहुत सारे पद, इसलिए इसका नाम पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। क्या लिखा है इसमें? बहु माने बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। अब यहाँ पर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में हम सारे हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर आप इतना समझ लीजिए, जो वेरिएबल है जहाँ पे एक्स यूज करा गया, जहाँ वाई भी यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एलजेब्रिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वो नहीं आता। विदाउट उसके आप मान लीजिए 3 लिख दें, 2 लिख दें, 1 लिख दें, ये जो टर्मोलॉजी, ये नंबर्स जो लिखते हैं विदाउट एनी वेरिएबल, इन्हीं को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपने देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, कितने मुबारक वो लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, लेकिन जब लड़का पैदा होता है उसके कुछ नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल रख देते हैं, है ना, उसके अलावा अशोक रख देते हैं। ऐसी लड़की पैदा होती है उसका नाम क्या रख देते हैं? अनम रख देते हैं, या फिर मनजा रख देते हैं, या सीता रख देते हैं, गीता रख देते हैं। ठीक, इसके भी नाम हमें रखने पड़ते हैं पॉलिनोमियल के। जैसे आप उसको आप एफ एक्स से भी शो कर सकते हैं, पी एक्स जी एक्स से भी शो करते हैं, पी एक्स से भी शो कर सकते हैं, और क्यू एक्स से भी शो कर सकते हैं। क्यू एक्स बराबर 3 दे दिया, एफ एक्स बराबर 2, ये 1, यहाँ 0। तो आपने देखा यहाँ पर जो है कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ 0 की जगह पे आप ले लो 4 ले लो। ये यहाँ पर जो है कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं आ रहा, कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा। विदाउट वेरिएबल कोई नंबर आता है तो उसे हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, स्थिरांक बहुपद कहते हैं। स्थिरांक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से मेरे पास जो है वो एक और पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा हम पॉलिनोमियल्स उठाते हैं, वाले कोर्स में नहीं आपको, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट किसी भी टॉपिक करने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं रैखिक
बहुपद, रेखित बहुपद नाम से मेरा लीनियर, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो। पावर मतलब डिग्री, पावर को हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जिसकी डिग्री यानी घात एक होती है वो हमेशा क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है, ठीक है। तो इसकी पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, दिखाई दे रहा है, इनकी पावर जो है कितनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मेरे पास वेरिएबल है 2x, यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। इसका नाम रख लो, चलता है px = 2x रख दो, ऐसी 2x मेरे पास आ जाएगा 3x + 1। तो जो सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है, एक। सबसे बड़ी जो पावर होती है उसकी डिग्री भी कहलाती है, क्या कहलाती है, डिग्री भी कहलाती है। तो ये 2x हो गया, यहाँ देखिए 2x + 1 ये भी एक लीनियर पॉलीनोमियल है, एक और लेते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, 3x डाल लेते हैं, वेरिएबल इसमें यूज में आ रहा है x, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या 3x + 2। ये जो है वो क्या चीज है, एक लीनियर पॉलीनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 1 आ रही है। चलिए उम्मीद करता हूँ लीनियर पॉलीनोमियल रैखिक बहुपद के बारे में आपको समझ में आ गया, आपके कोर्स में नहीं आपको समझ में आ गया। दो पॉलीनोमियल की फॉर्म आपको मैंने बता दी, पहली बताया आपको कांस्टेंट पॉलीनोमियल, दूसरा बताया मैंने आपको लीनियर पॉलीनोमियल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, जो आपके कोर्स में है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रिक माने हिंदी में कहलाता है दुई, दुई मतलब एक्स या वाई, व्हाटएवर कोई भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री अगर 2 होती है तो उसे हम लोग क्वाड्रिक पॉलीनोमियल कहते हैं। जैसे मेरे पास एक टर्मोलॉजी है 2x² + 1, दूसरी मेरे पास है 3x² + x, 3x² + x + 1, 4x² + 3x + 2। ये जो फॉर्म्स हैं ये सब क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो दी हुई है हर एक इक्वेशंस के अंदर, चाहे इसका नाम आप पी एक्स रख लो, इसको क्यू एक्स रख लो, जैसे बताया कि नाम दे सकते हैं आप इसे, इसे टी एक्स रख लो, इसे आपको आर एस रख लो, कुछ भी एस एक्स रख लो, आर एक्स रख लो, ये सब फॉर्म जो है वो क्वाड्रिक की फॉर्म कहलाती है, क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स हैं। पॉली माने बहुत सारे पद हैं, एक दो। अच्छा, पॉलीनोमियल्स में आप जो है एक से ज़्यादा पद पढ़ते हैं, जब एक एक टर्म्स होता है, एक पद होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोनोमियल्स। आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं मोनोनोमियल्स पढ़ के आ रहे हैं। जब दो टर्म्स होता है आपने क्या पढ़ा है, बाइनोमियल्स पढ़ा है, एक पद ही है दुई पद ही है बाइनोमियल्स पढ़ा है। और जब आपके पास जो है वो क्या होते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स, दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं, आपने पढ़ा है पॉलीनोमियल्स। हम लोग यहां पॉलीनोमियल्स की बात कर रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं, बहुपद में कौन सी फॉर्म ले रहे हैं हम लोग, द्विघात यानी क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स ले रहे हैं जो आपके कोर्स में। इसके अलावा भी हमारे पास पॉलीनोमियल्स हैं, एक हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल है, नाम से ही पता लग गया होगा आपको, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के नाम से ही पता लग गया होगा, क्या पता लगा नाम से, क्यूबिक, क्यूबिक त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलीनोमियल त्रिघाती, कौन सी घाती, त्रिघाती बहुपद, कौन सा पद, त्रिघाती बहुपद, यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, इसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3x³ + 2x² + x - 1, प्लस माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन कन्वेंशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो 3 आएगी, तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें सारी 3 पावर, 2 पावर और 1 पावर और कांस्टेंट के टर्म्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है वो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सब क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वो कितनी दे रखी है, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाता है। आपने सीखा कांस्टेंट पॉलीनोमियल, आपने सीखा लीनियर पॉलीनोमियल, आपने सीखा क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, आपने सीखा क्यूबिक पॉलीनोमियल, अब आपके पास बाई क्वाड्रिक पॉलीनोमियल आता है, आपके पास क्या आता है, बाई क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। बाई क्वाड्रिक पॉलीनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 4 होती है, कितनी होती है, 4, क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रिक, बाई मतलब क्वाड्रिक का दुगना, 2 का दुगना कितना होता है, 4, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बाई क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स। बस क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स के आगे क्या लग जाता है, बी आई बाई और लग जाता है, क्या लग जाता है, बाई क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर जो होगी वो 4 होगी, डिग्री 4 हो
तो हम इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं क्या चीज, इसको हम कहते हैं बाइक्वाटिक पॉलिनोमियल। क्या कह देते हैं? बाइक्वाटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम कैसे निकालते हैं, कैसे बदलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वो आपको सिखाएंगे। डिग्री क्या होती है, नाइन्थ क्लास में आप सीख के आए, जो हाइस्ट पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। अभी मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन करवाया पॉलिनोमियल्स के बारे में, हाउ मेनी टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये मैंने आज आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिनोमियल्स और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और डिग्री के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दिए, धन्यवाद, बाय।